साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आकर नाचे। एक पता करता हूँ चले फिर कथा एक अर्ज है कि आप विकार अंबिया, आप विकार अंबिया, आप जमाल किरदगार, आप विकार अंबिया, आप जमाल किरदगार, आपके नाम पर दुरूद एक नहीं हजार बार। आप विकार अंबिया, आप जमाल किरदगार, आपके नाम पर दुरूद एक नहीं हजार बार, और आपके नाम के निसार आपका नाम पाक है, आपके नाम के निसार आपका नाम पाक है, कल्बे हुसैन में लहू दस्ते अली में ज़ुल्फ़िकार। आपके नाम के निसार आपका नाम पाक है, कल्बे हुसैन में लहू दस्ते अली में ज़ुल्फ़िकार। एक नज़्म पेश करता हूँ मौलाना, उन्वान है तसव्वुर हुज़ूर के। सुबह दम जब बज़्म गुल में चहचहाते हैं तयूं, सुबह दम जब बज़्म गुल में चहचहाते हैं तयूर, और पौ फटे जब छिल मिलाता है फजाए शब में नूर, और रोशनी जब पर्दे जुल्मत से करती है जहूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। तब मुझे महसूस होता है कि रोशनी जब पर्दे जुल्मत से करती है जहूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, क्या होंगे हुजूर। और चांदनी के तार जब बुनते हैं दामे अंकबूत, चांदनी के तार जब बुनते हैं दामे अंकबूत, और सूरते गारे हिरा होता है जब शब का सुकून, और उभरती है उफुक से एक जबी सद रश्क तूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और एक हवाए सरखुशी में झूमते हैं जब निहाल, एक हवाए सरखुशी में झूमते हैं जब निहाल, जब अजाब बन कर चमक उठती है आवाज़े बिलाल, और दिल पे जब इसमें मोहम्मद से बरसता है सरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और जब महकती है हवाएं जागते हैं दश्त-ओ-राग, जब महकती हैं हवाएं जागते हैं दश्त-ओ-राग, जब सरे हर बर्ग गुल जलते हैं शबनम के चराग, और जब उजाले तोड़ देते हैं अंधेरों का गुरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, जब उजाले तोड़ देते हैं अंधेरों का गुरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और सुबह सादिक की तरह सिद्दीक था जो वो हसीन, सुबह सादिक की तरह सिद्दीक था जो वो हसीन, दौलते लौहो कलम का जो अमीन था वो अमीन, दौलते लौहो कलम का जो अमीन था वो अमीन, और जब कलम की रोशनी बनते हैं ये अलकाब नूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और मुलाजा हो कि कूज़े दिल में समा जाती है जब अर्ज़े बसीर, कूज़े दिल में समा जाती है जब अर्ज़े बसीत,
और नीम खाबी नीम वा आंखों पे होती है मुहित। नीम खाबी नीम खाबी नीम वा आंखों पे होती है मुहित। और जब पूरी तरह बेदार होता है शऊर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और जब पूरी तरह बेदार होता है शऊर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और खंदक ओ बदर ओ अहद से ताबदश्ते करबला, खंदक ओ बदर ओ अहद से ताबदश्ते करबला। फातह खैबर से लेकर शाह हुसैन बावफा, फातह खैबर से लेकर शाह हुसैन बावफा। हर जरी जब आपसे निस्बत करता है गुरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। हर जरी हर जरी के खंदको बद्रो ओहद से ले किताब, खंदको बद्रो ओहद से ताबदश्ते करबला। फातह खैबर से लेकर शाह हुसैन बावफा, हर जरी जब आपसे निस्बत करता है गुरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, क्या होंगे हुजूर। और ज़ौब-ए-दामा सौत में जब गूंजती है बरमला, ज़ौब-ए-दामा सौत में जब गूंजती है बरमला। अल-मुज़म्मिल अल-मुदस्सिर अल-मुबश्शिर की सदा, ज़ौब-ए-दामा सौत में जब गूंजती है बरमला। अल-मुज़म्मिल अल-मुदस्सिर अल-मुबश्शिर की सदा। और जब कुरान की आयात से उठता है नूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और जब कुरान की आयात से उठता है नूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। मन मुलाजा हो कि कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे एक तसव्वुर के सिवा। मुलाजा हो कि कुछ नहीं है पास मेरे, कुछ नहीं है पास मेरे एक तसव्वुर के सिवा। और ये तसव्वुर भी नहीं कुछ एक तहय्युर के सिवा, कुछ नहीं है पास मेरे एक तसव्वुर के सिवा। और ये तसव्वुर भी नहीं कुछ एक तहय्युर के सिवा। और फिर भी जब मेरा तहय्युर देखता है कुछ जरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। फिर भी जब मेरा तहय्युर, फिर भी जब मेरा तहय्युर देखता है कुछ जरूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, क्या होंगे हुजूर। और जब मलक भी नाथा होते हैं मेरे साथ साथ, जब मलक भी नाथा होते हैं मेरे साथ साथ। और जब मेरे शानों पे होता है किसी सूरज का हाथ, जब मलक भी नाथा होते हैं मेरे साथ साथ, जब मेरे शानों पे होता है किसी सूरज का हाथ। और जब मेरा दिल जुल्मते दुनिया से होता है नफूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और बिजलियां जब टूटती हैं खून के औराक पर, बिजलियां जब टूटती हैं, बिजलियां जब टूटती हैं खून के औराक पर, आंधियां जब सनसनाती हैं मेरे आफाक पर, आंधियां जब सनसनाती हैं मेरे आफाक पर, उनके सदके उनके सदके मुतमईन रहता है कल्बे नासबूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर। और उनके कदमों की तजल्ली, उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुबह शाम पर, उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुबह शाम पर। वो हमारा रहमत है सहबा और उनके नाम पर,
और उनके नाम पर बख्श देता है खुदा। जब मुझसे आसी के कसूर तब मुझे महसूस होता है। उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुबह शाम पर, वो हमारा रहमत है सहबा, वो हमारा रहमत है सहबा, और उनके नाम पर बख्श देता है खुदा। जब मुझसे आसी के कसूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुजूर, क्या होंगे हुजूर। बस अदब दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब खतीब आलम इस्लाम अल्लामा रशीद तुराबी साहब से कि सरकार रहमत फरमाए। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الفتحي الأطهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صدر محترم صدر استقبالیہ علماء اکرام ایک ایسے وقت پر حضرت مولانا توقیر حسین صاحب زیدی نے مجھ سے اس تقریر کی خواہش کی جبکہ میں اپنے آپ میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں پا رہا تھا کہ کسی ایک اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے اپنے آپ کو قابل پا سکوں یا بنا سکوں، لیکن ان کے حکم کی تعمیل تھی اور دوسرے وزیر اوقاف مولانا کوثر نیازی صاحب کی ایک تقریر کا اقتباس آج اخباروں میں شائع ہوا اور اس کو عنوان اس طرح سے دیا گیا تھا کہ ہمارا نظام تعلیم ناقص ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک میرے لیے ایسا محرک تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے تعلیم یافتہ سننے والوں کے سامنے اور انہی کی موجودگی میں چند اہم مسائل کو پیش کروں اور یہ واضح کرنے کی کوشش کروں کہ جو آپ نے کہا ہے یا جس طرح سے کہ پریس نے آپ کے بیان کو شائع کیا ہے اس میں آپ نہ صرف حق بجانب ہیں بلکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بنیاد قرآن پر سارے علوم کی بنیاد کو قائم کیا جائے
और जामियात को हिदायत की जाए कि वो बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी और इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी, एग्रोनॉमी और फिर इल्म तबकातुल अर्ज, नबातियात, हयातियात, इल्म हयात, इन तमाम उमूर की तालीम देते हुए पहले ये तय करें कि कुरान की कौन सी आयत मुहर्रिक बन रही है। देखिए ये एक अहम तरीन मसला है वक्त का, और जाहिर है कि जब एक जिम्मेदार वजीर किसी जलसे की सदारत करता है तो उससे तवक्को भी यही की जाती है कि वो एक ऐसा लाए अमल बतलाए कि जहां से हम ये गौर व फिक्र कर सकें कि किस तरह से हम अपने आप को दुनिया की निगाहों में रूशनास करें और किस तरह से अपने आप को पहचानवाएं। मैंने मौलाना तौकीर हुसैन साहब जैदी से ये इस्तदा की थी कि दो चार मिनट मैं शायद अपने लिए पसंद करूंगा तकरीर के लिए, मगर एकाएक आज के इस बयान को देखने के बाद मेरे दिल ने यह चाहा कि मैं पहली मर्तबा सही माना में आपकी नुमाइंदगी करते हुए अपना मौकिफ सदर मोहतरम पर वाज़े करूं। और यह बतलाऊं कि इस मसले में हम क्या समझते हैं। सबसे पहली बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इंसान के तअक्कुल की तकलीक तौहीद नहीं है। खुदा एक है ये इंसान की अक्ल ने नहीं पहचाना, बल्कि सूरह अंबिया में जब ये कहा गया यौम नतिस समाउ कतय्यिस सिजिल लिलकुतुब कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन वलकद कतबना फिस ज़बूर मिन बादिस ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादिय्यस सालिहून इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुल, तुम कह दो, ऐ रसूल तुम कह दो जो आलमीन के लिए रहमत बन कर आए हो, अन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। मुझ पर यह वही की गई है कि तुम्हारा खुदा एक है, क्या तुम तस्लीम करोगे? तो तौहीद इलाही का तसव्वुर न सुकरात, न अरस्तु, न अफलातून, न किसी नबी या किसी नबी या उलुल अज़्म के फिक्र की तकलीक नहीं है। खुद सरकार दो आलम ये कहते हैं कि मुझे वही आए। बिल्कुल इसी तरह किसी बशर का मकाम नबुव्वत पर पहुंचकर उस मंजिल पर जाना कि जिसके लिए आज पहली मर्तबा मैंने मौलाना मतीन कदीब की जान से यह जुमला सुना कि अज्जा तुम मिन अल्लाह नूर व किताब मुबीन, कि जहां उन्होंने बतलाया कि नबी नूर है, नबी नूर है, तो नूर के माना ही यह है कि जिसकी चमक दमक हमेशा रहे, जिसकी रोशनी हमेशा बाकी रहे, वो नूर है। यह किताब मुबीन है, यह भी बाकी है, वो भी बाकी है। बगैर नूर के किताब नहीं, बगैर किताब के नूर नहीं। तो इस एतबार से वो ज़ात गिरामी के जिसके लिए यह कहा गया कि वो नूर है, क्या वो इंसानी ताकुल की तखलीक है कि यह नबी है? नहीं, वो भी वही की सूरत से इस बात पाती है शक्ल
कि ये जैसे खुदा की तौहीद वहीं से साबित है, वैसे नबी की रिसालत वहीं से साबित है। या दूसरी मंजिल, इसके बाद जहां नबी की रिसालत वहीं से साबित है, वहां उस रिसालत की शान ये है कि आरे कलाम हक बे जबान मोहम्मद। हाँ, हक का कलाम और मोहम्मद की जबान, हक का कलाम और मोहम्मद की जबान। तो नतीजा ये हुआ कि इस कलाम ने जो जबान मोहम्मद पर जारी हुआ, दुनिया को यह बतलाने की कोशिश की कि जब तक के नूर मोहम्मद बाकी है, इस कलाम में भी वो लामुतनाहियत बाकी रहेगी। इस कलाम में भी इतना लामहदूद होने की कैफियत बाकी रहेगी कि फकत फिक्र नजर की जरूरत होगी कि कहां से कौन सी आयत को किस इल्म की बुनियाद बनाए। देखिए, ये वो मंजिल थी कि जहां मैंने तमहीद खत्म की, और इसके बाद मैं वजाहत कर रहा हूं अपने मौकफ की कि हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। जरा सी बात वो ये कि हम ये कभी नहीं चाहते, ये कभी नहीं चाहते कि किसी यूरोप के इंकशाफ को सामने रखकर कुरान को पढ़ें और उसके बाद उस इंकशाफ को कुरान पर मुसल्लत करें। हम ये नहीं चाहेंगे, नहीं, हम ये चाहते हैं कि कुरान पढ़ के तहरीक हासिल करें, उसके बाद इंकशाफात को देखें ताकि पता चले कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। अब ये गुफ्तगू इल्मी हो रही है, जरा सा आप साथ दें, और जाहिर है कि मैं कोशिश समर की कर रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं के बयान की थोड़ी सी वजाहत हो, क्योंकि शायद इससे कुछ काम लिया जाएगा और शायद मैं खुद काम लूं। पहली चीज वो ये कि कुरान मजीद ने आलम तकवीन पर गुफ्तगू की, आलम तकवीन पर गुफ्तगू की सूरह अंबिया, और बे अख्तियार आयत आई इन समावासी वर्ग कानता रखन फतक ना होमा, ये जमीन और आसमान एक सिदाए बस्ता थे, हमने इसको फाड़ दिया। ये आयत मुतशाबिह थी, वो कम उस दिन बनी जब न्यूटन ने मादे सुदैमिया की तहकीक करके ये बतलाया कि ये सब कुछ मिला जुला था, गर्दिश मुसलसल से ये चीजें टूटी तो आफ्ताब अपनी जगह पर, चांद अपनी जगह पर, तारे अपनी जगह पर, जमीन अपने मकाम पर आया। ये नेबुलस स्टेज ऑफ लाइफ था जो टूटा, ये फिजाए बस्ता थी, हमने उसको चाक चाक किया, हमने उसको फाड़ दिया। देखिए, इससे बेहतर क्रिएशन पर कोई तहरीक आपको नहीं मिलेगी जो कुरान ने तहरीक दी है। इंजील को देखिए, तौरात को देखिए, जबूर को देखिए, तकवीन का मुताल्लिक है। पहली आयत सूरह अंबिया इन समावासी वलर का नतारत खान सो बतखना हुआ, जैसे क्रिएशन है उसके बाद एवोल्यूशन इर्तिका कि कैसे तरक्की हुई, कैसे आगे बढ़ा। और ये वो मंजिल है कि जहां बे अख्तियार सूरह हिजर में आप आयत पढ़ेंगे इन मिन शयइन इल्ला इंदना खज़ाइनहू वमा नुनज़िलहू इल्ला बिक़दरिन मालूम, कोई शय ऐसी नहीं है जिसका खजाना हमारे पास न हो, हम कदर मालूम से हर शय को नाजिल करते जाते हैं। एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्रिएशन, एवोल्यूशन, और उसके बाद एक मर्तबा आप आगे बढ़ जाएं तो पता चलेगा कि जब आप जमीन को देखेंगे, उसकी साख को देखेंगे, तो पहली नजर आपकी उन अजीम मर्तबत जिबाल पर पड़ेगी, उन पहाड़ों पर पड़ेगी कि जिनको दुनिया ये समझती थी कि उसकी वजह से जमीन कायम है। उस थ्योरी को कुरान ने बातिल कर दिया, उस थ्योरी को कुरान ने बातिल कर दिया। और बेख्तियार बेख्तियार सूरह नमल में यह आयत आई कि तुम ये समझते हो कि तरल जिबाल तसबहा जाने ना वही तमुर मर्रा सहा, तुम समझते हो कि पहाड़ अपनी जगह पर कायम है, नहीं, ये बादलों की तरह से हरकत करते हैं, बादलों की तरह से हरकत करते हैं। पूरी थ्योरी है पहाड़ों के
के टूटने, इसके टुकड़े टुकड़े होने, एक मकाम से दूसरे मकाम तक चट्टानों के जाने और इस तरह से पूरे पूरे पहाड़ के मुंतकिल होने के लिए, जिसके वास्ते सर ओलिवर लॉज ने पहाड़ों की तकवीन के मुतालिक कहा, एंड लाइक क्लाउड्स दे गो, वो अब्र की तरह से चलते हैं। यही जुमला इत्तेफाकन 1300 बरस पहले कुरान में आया कि ये पहाड़ की हरकत और बादल की हरकत एक है। और आगे अजीब मंजिल, क्योंकि एक मसला आज आपने छेड़ दिया है, मैं बतलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में कितने मुहर्रकात हैं। और इसके साथ एक वो मंजिल आती है कि जहाँ हम बेख्तियार देखते हैं कि हरकत शम्स व कमर, निज़ाम बतलीमूस में शम्स व कमर की हरकत को साबित नहीं किया है और कहा हर चीज आसमानों में जड़ी हुई है, मगर सूरह यासीन ने उस नजरिया को बातिल कर दिया और बेख्तियार कहा वह शम्स व तजरी या मुस्तकर लहा ज़ालिक तक़दीर अज़ीज़ अलीम, आसमान अपने मुस्ताफ़ताब अपने मुस्तकर की तरफ चला जा रहा है, यह मुकद्दरात अज़ीज़ अलीम में से है, यानी पूरे सोलार सिस्टम को लेकर मरीख को, अतारुद को, ज़ुहल को, ज़ुहरा को, मुश्तरी को, जमीन को, सबको लेकर 27 माइल फी सेकेंड की रफ्तार से आफ्ताब शुमाल की तरफ जा रहा है, नहीं मालूम कहां से फिजा में वसात आई। कहां से वसात आई? अब यह वसात फिजा को देखिए, सूरह ज़ारियात वस्समाउ बनैनाहा बिअय्दिन व इन्ना लमूसऊन, और आसमानों को हमने अपनी कुदरत से बनाया है और हम वसअत देते जा रहे हैं। वस्समाउ बनैनाहा बिअय्दिन व इन्ना लमूसऊन, हमने आसमानों को अपनी कुदरत से बनाया, हम उसको वसअत देते जा रहे हैं। तो आपने देखा, ये इसको कहते हैं इस्तिलाह में साइंस की एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, यानी फिजा बढ़ रही है, फैल रही है, कहां जा रहा है यह कारवाने हया। इसको यूरोप ने पहले देखा या हमने? इसका अंदाजा यूरोप ने पहले लगाया या हमने? और फिर इसी मंजिल पर देखिए एक मकाम के जहां अबसा व तवल्ला, सूर्य का निशान अस्सी के जहां बतलाया फल जनवर इंसान इला ताम ही, इंसान अपने खाने पे तो गौर करे, तरकारियां कैसी हैं, फल कैसे हैं, फवाकह कैसे हैं, दरख्त कैसे पैदा होते हैं, यानी सात आयतें एक बात दिगरे सूरह अबस में आई हैं कि जिसमें हयाती ये इनका गुफ्तगू की है कि कौन सी गिज़ा खाई जाए, कौन सी गिज़ा को छोड़ दिया जाए। जब तसव्वुर भी नहीं था हयाती ये इनका, कुरान ने इंसान को मुशाहिदे की दावत दी, अरे खाने का तो मुशाहिदा करो। देखिए एक मंजिल है, गिज़ा दो किस्म की है, एक जिस्मी है एक रूही है। अगर ये आयत मुकम्मल है तो फल जनजो इंसान इला ताम ही, इंसान मुशाहिदा करे अपने गिज़ा का, तो यह मुशाहिदा करे कि खाता क्या है और यह भी मुशाहिदा करे कि इल्म किस ले रहा है, इसलिए कि वो गिज़ाए रूहानी है। अगर गलत मकाम से इल्म आ जाए, अगर गलत मकाम से इल्म आ जाए तो फिर वो इल्म बेकार है। इकबाल यूरोप गए थे और यूरोप जब पहुंचे और अपने तालीम के अरसे को खत्म किया तो बेख्तियार कहा तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, यूरोप से कहा तेरे मुहीत में कहीं गौहरे जिंदगी नहीं, ढूंढ चुका मैं मजे चुका मैं मौज मौज, ढूंढ चुका सदफ सदफ, देख चुका मैं मौज मौज, ढूंढ चुका सदफ सदफ, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजर। Yeah.
तेरे मोहित में कहीं गौहर जिंदगी नहीं, दे चुका मैं मौज मौज ढूंढ चुका सदफ सदफ, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ, इसी निस्बत से बानिया ने मीलाद ने अपना नाम रखा है मुहिब्बाने मोहम्मद ओ आले मोहम्मद, ताकि मदीना ओ नजफ साथ साथ रहे। देखिए यह सूरह नारियात, यह सूरह आबस व तवल्ला की आयत, कि जहां इंसान को यह हुक्म दिया गया कि अपने खाने का मुशाहिदा करे, एक लो साइंस की बुनियाद तीन चीजों पर है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट बिजनेस यूटिलिटी, पहले मुशाहिदा करो तजुर्बा करो दूसरे तजुर्बा करो, तीसरे ये देखो कि तिजारती इफादियत क्या है। मुशाहिदे की दावत न इंजील ने दी, न तौरात ने दी, न ज़बूर ने दी, सिर्फ कुरान ने मुशाहिदे की दावत दी। सूरह आराफ, अवलम यंजुरू फी मलकूति समावाति वल अर्ज वमा खलक़ अल्लाहु मिन शय वअन असा अन यकून क़द इक़तरब अजलहुम फबिअय्य हदीथिन बादहु युमनून, क्या हो गया ये मुशाहिदा क्यों नहीं करते, मलकूत समावाति वल अर्ज में गौर क्यों नहीं करते कि हमारा होल्ड क्या है, हमारा कंट्रोल क्या है। अगर इन्होंने मुशाहिदा नहीं किया तो इनको मौत आएगी। कुरान ने हमको दावत मुशाहिदा दी, इंजील ने मुशाहिदे से रोका, इंजील ने मुशाहिदे से रोका। संतावी ने तफसीर कबीर में लिखा कि मुसलमानों का जवाल और यूरोप का उरूज एक नुक्ते से है। मुसलमानों का जवाल ये कि दीन को छोड़ा, यूरोप का उरूज ये कि उन्होंने भी दीन को छोड़ा। मुसलमानों का जवाल इसलिए आया कि इनके पास दीन ऐन सआदत था, छोड़ दिया। और उनको उरूज इसलिए आया कि उनके पास मुज़क़रफ़ात थे, मुहमलात थे, असातीरे अवलीन थे, अंबिया के दामन पर गुनाहों के दाग डाले गए थे, अंबिया की जिंदगी को उन्होंने गुनाहों से भर दिया था। उनको मुशाहिदे की दावत नहीं दी गई थी, उनको सोच गौर फिक्र की इजाजत नहीं थी। गलीलों को सजाए ताज़ियाना दी गई, केप्लर को कैद कर दिया गया, हर एक मुहक्किक को सजा यूरोप में पोप ने दी, ये कह के कि नई बात कैसे करता है। और कुरान मुसलसल इन वाकयात से सदहा बरस पहले मुशाहिदे की दावत दे चुका था। यही वजह है कि आपकी मशहूर किताब लाइब्रेरी में मंगवा लीजिए, यह किताब है जॉन होमयार्ड द ग्रेट केमिस्ट, दुनिया के मशहूर कीमियादान, दुनिया के मशहूर केमिस्ट। इस किताब पे पहली तस्वीर है जाबिर इब्न हय्यान कूफी की, और उसके नीचे लिखा हुआ है द डिसाइपल ऑफ इमाम जाफर सादिक। जॉन होमयार्ड द ग्रेट केमिस्ट किताब का नाम है, सारे दुनिया के कीमियादानों का तस्करा है। आगाज किया जाबिर इब्न हय्यान से, और उसके बाद लिखा कि उसने 500 किताबें केमिस्ट्री पर लिखी, 500 किताबें केमिस्ट्री पर लिखी, उसमें से 32 किताबें 1939 में मिस्र ने शाया की, उसमें 27वीं किताब और 29वीं किताब का आगाज ही यह है कि जाबिर इब्न हय्यान ने कहा कौल अली सैयदी व मौलाई जाफर इब्न मोहम्मद अन अक्तुब हादा फकत कतबतु, मुझसे मेरे सरवर सरदार जाफर इब्न मोहम्मद ने कहा कि मैं ऐसा लिखूं, मैंने लिखा। आप देख रहे हैं यह सारी चीजें हमारे पास थी। हमने तिब में जर्राही का आगाज किया, हमने घड़ियाल बनाना शुरू किया, हमने उनलुस में आब रसानी के जराए बतलाए, हमने इलाज हैवानात पर गुफ्तगू की, हमने तारों की मंजिलों को तय किया। और वो नबी उम्मी फटी हुई कमली में अपने आप को लपेट कर कायनात का मुशाहिदा करके सुनाने वाला,
सूरह यूसुफ के जरिए से सुना रहा था कि फकत सितारे साथ नहीं है, साथ नहीं है, इन्नी राईतु अहद आशर कौकबन व शम्सु वल कमरु राईतु हुम ली साजदीन। बाबा मैंने देखा 11 तारे आफ्ताब और महताब मुझे सजदा कर रहे हैं, तो आपने देखा 13 सैयारे हो गए, हरकत साबित हुई, साबित सैयार हो गया। आज दुनिया ने तस्लीम किया कि 7 सैयारे नहीं है, 13 सैयारे हैं। तो इस मंजिल पर उस दूरबीन निगाह ने जब कुरान के पैगाम को दुनिया के सामने रखा तो ये कह के रखा अतीब आवाज और एक इदल तबसत अलैकुम अल फितन कक़ताल लैल अल मुज़लिम, जब तुम पर अंधेरे छा जाए अंधेरी रातों की तरह, अलैकुम बिल कुरान, याद रखो फिर कुरान को ना छोड़ो, कुरान को ना छोड़ो। ये रसूल और अली की आखिरी वसीयत मरते वक्त अपने बच्चों से वो अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्दिकुकुम बिल अमल बिही खैरुकुम, हाँ हाँ कुरान का ख्याल रखो कहीं इस पर अमल करने में तुम्हारा गैर तुमसे आगे ना बढ़ जाए। आपने देखा इस तरह से इस कुरान की हिफाजत की गई, इस तरह से इस कुरान की हिफाजत की गई। और अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, जैसा कि यह तजवीज आ रही है, जैसा कि यह तहरीक आ रही है कि पूरे निजाम तालीम को बदलने की जरूरत है। बड़ी दिलचस्प बात सुनेंगे जनाब सादत, जर्मनी का आखिरी बादशाह, इसकी 75वीं सालगिरह हो रही थी, फ्रेडरिक द ग्रेट, इसने बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला के कहा कि मेरे लिए क्या तोहफा लाओगे। तो बर्लिन यूनिवर्सिटी के ओरिएंटलिस्ट प्रोफेसर ने कहा, यानी जो मशरकियात का आलिम था, कि मैं आपके लिए तोहफा लाऊंगा आपके सालगिरह में। चुनाचे जो तोहफा दिया गया वो क्या था, इस्लाम का निजाम तालीम। ये किताब जर्मनी में लिखी गई, लाहौर में उर्दू में तर्जमा हुआ, लाहौर में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। इसी तरह से इस वाकये के साथ इस्लाम का निजाम तालीम सदर उला में क्या था, जिसकी एक मामूली सी बात यह थी कि उसने लिखा, उस प्रोफेसर ने, कि मुसलमानों को एक आदत थी कि रात को जब ईशा की नमाज से फारिग होते तो हर एक पड़ोसी दूसरे के घर पे जाता और कहता यह मसला समझ में आया तुम भी समझ लो। वहां मदरसे नहीं खुले थे, वहां मदरसे नहीं खुले थे, मगर तालीम आम थी। तो आपने देखा तिब में तरक्की हम करें, कीमिया में तरक्की हम करें, केमिस्ट्री हमारी हो, नुजूम पर हुकूमत हमारी हो, इस तरलाब मुहक्किक़तूसी बनाए, फलसफे में फाराबी काम करें, मुतब्बिब राजी सिप के मुश्किलात को हल करें, बुअली सीना शिफा जैसी किताब लिखे, और एक मरतबा फिर उसके बाद सन्नाटा छा जाए, फिर उसके बाद सुन सन्नाटा छा जाए, और अब निगाहें यूरोप की तरफ, समझ रहे हैं वो यूरोप को हम जवार अपना, इकबाल समझ रहे हैं वो यूरोप को हम जवार अपना, सितारे जिनके नशेमन से हैं ज्यादा करीब, सितारे जिनके नशेमन से हैं ज्यादा करीब, वो यूरोप को हम जवार समझ रहे हैं। इसीलिए कहा खुले हैं सबके लिए गर्मियों के मैखाने, उलू में ताजा की फरमाशियां गुनाह नहीं, इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, तेरे जिगर में अगर सौदे ला इलाह है। कुरान की बुनियाद पर चलो, और यहाँ कुरान की बुनियाद पर एक एक महकमे को देख डालो, कुरान की बुनियाद पर एक एक इल्म का मुहासिबा करो कि ये कहां तक आगे बढ़ सकता है और हम इन मुहर्रिकात को लेकर कहां तक जा सकते हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई आप में बड़ी काबिलियतें थी। अब यह सन्नाटा कैसा, अब यह नींद कैसे आ गई, अब तो हरकत का जमाना है ना, अब तो इंसान के लिए बेदारी लाजिम है, अब तो परेशानी। अब हम जब यूरोप की बातें करते हैं, वो चांद में चले गए, उन्होंने मरीख तक पहुंचने की कोशिश की, तो सूदादे चमन सुनते हैं इस तरह कफस में जैसे कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा।
चमन, रुझाते चमन सुनते हैं इस तरह का बज में जैसे कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। अरे ये गुलिस्ता तुम्हारा है, ये तुमने उलूम को मुंतकिल किया है। यूनानी उलूम तुम्हारी तरफ से गए हैं, तुम्हारी तरफ से गए हैं, उन्होंने तुमसे हासिल किया है। बरसों अब्बू अली सीना की किताबें पढ़ाई गई, बरसों सारे फारादी की किताबें पढ़ाई गई, बरसों मुतब्बिब राजी के इल्म जर्राही पर गुफ्तगू की गई। आज उन्होंने तरक्की की, हम वहीं के वहीं बैठे रहे। क्यों क्यों? फकत इसी वास्ते, फकत इसी वास्ते जमाने भर का मुंह तकते हैं क्या, अपनी तरफ देखें। जमाने भर का मुंह तकते हैं क्या, अपनी तरफ देखें। बसर करना है जिनको रंगो बुए रायगां होकर, जमीन करवट बदलती है बलाए आसमां होकर, जमीन करवट बदलती है बलाए आसमां होकर। यही वो मंजिल है कि जहां बे अख्तियार तकरीर को खात्मे को पहुंचाते हुए सिर्फ इतना कहूं और अपने खुलासे कलाम पे आऊं, अरे ओ जलने वाले काश जलना ही तुझे आता, अरे ओ जलने वाले काश जलना ही तुझे आता। ये जलना कोई जलना है कि रह जाए धुआं हो। अरे ओ जलने वाले काश जलना ही तुझे आता, ये जलना कोई जलना है कि रह जाए धुआं होकर। उठो ऐ सोने वालो सर पर धूप आई कयामत की, कहीं ये दिन न ढल जाए नसीब दुश्मना होकर, कहीं ये वक्त दूसरों के लिए मुफीद न साबित हो। इसलिए तहरीक मुबारक है, बशर्ते के जामियात कबूल करें, बशर्ते के वाइस चांसलर कबूल करें, बशर्ते के मिल्लत इस्लामी पाकिस्तान के वो मुअल्लिमीन कबूल करें कि जिनको पहले ये पढ़ाया जाए कि कुरान क्या है, और उसके बाद वो ये बतलाएं कि अरे वो जो हम पढ़ के आए थे वो तो यहां है ना। बस मैं सिर्फ अपनी चंद गुजारिशात पेश कर रहा था इनके बयान से मुतासिर होकर। और मौलाना मतीन खतीब का मैं सही माना में शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही मुस्लिम की दोनों हदीसों को आज पेश किया, दोनों हदीसों को पेश किया। वो हज्जतुल विदा के मौके पर, वो हज्जतुल विदा के मौके पर कि तुम्हें दो चीजें छोड़ रहा हूं। पहली मतलब आपने कहा किताब व सुन्नत, बाद में आपने कहा किताब व इतरत। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि पैगंबर में तजाद बयानी नहीं होती, तजाद बयानी नहीं होती। बात इतनी ही है कि इतरत को इसलिए छोड़ा कि इतरत ही मुहाफिज़ सुन्नत।